हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में मेगा न्यूरॉन NT 75 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। मेगा न्यूरॉन NT 75 mg टैबलेट का मुख्यतः उपयोग नसों के कारण होने वाली दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 149 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। मेगा न्यूरॉन NT 75 mg टैबलेट में प्रीगैबालाइन IP 75 mg, नॉर्ट्रिप्टिलिन IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद प्रीगैबालाइन यह ड्रग नर्वस सेल की कैल्शियम चैनल गतिविधियों को चेंज करके दर्द और दौरे को कम करने का काम करता है। नॉर्ट्रिप्टिलिन यह ड्रग ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो ब्रेन में मौजूद केमिकल मैसेंजर की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इससे मूड और डिप्रेशन के इलाज में मदद मिलती है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग कमर दर्द की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। कमर दर्द होना एक बहुत आम बात होती है, पर यह कुछ हफ्ते या महीनों के लिए भी हो सकता है। कमर दर्द में आमतौर पर पीठ में दर्द, खिंचाव या अकड़न महसूस होती है। कमर दर्द होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे अचानक कोई वजन उठाना, गिरना, चोट लगना या फिर कोई ऑपरेशन की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। तो इस स्थिति में होने वाली कमर दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलिजिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलिजिया यह बीमारी ट्राइजेमिनल नामक नस के कारण होती है। इसमें व्यक्ति के चेहरे से लेकर मस्तिष्क तक सनसनी महसूस होती है। इस बीमारी में शुरुआत में हल्का दर्द होता है, लेकिन बाद में यह दर्द बढ़ सकता है और लंबे समय तक लगातार दर्द रह सकता है। यह बीमारी पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। यह बीमारी 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक प्रकार का नर्व डैमेज होता है जो डायबिटीज से बीमार लोगों को हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे फाइब्रोमायलेजिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। फाइब्रोमायलेजिया एक तरह का विकार होता है जो मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द उत्पन्न करता है। इसमें आपको थकान महसूस होती है। इसके अलावा मस्तिष्क और नींद से संबंधित कई मुश्किलें आनी शुरू हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग घबराहट, चिंता की समस्या दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसे डिप्रेशन की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज़्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज़्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप इसे हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आपकी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोज निर्धारित कर ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको वजन बढ़ना, मुंह सूखना, कब चक्कर आना, पेट दर्द, अपचन ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट या सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। ड्रग इंट्रैक्शन की समस्या में इस टैबलेट का प्रभाव कम हो सकता है और ये अपना काम
ठीक से नहीं कर पाती है। ओवरडोज की समस्या में इस टैबलेट का डोज ज्यादा होकर आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। ओवरडोज की समस्या में आपको मितली, उल्टी, पेट में दर्द, पेट में जलन, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। इसलिए अपने वर्तमान दवाइयों की जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आपको लिवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या या फिर उससे जुड़ी कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे और ये टैबलेट उनकी सलाह के अनुसार ही यूज करे। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह अवश्य ले। अगर आपके डॉक्टर ठीक समझे तो ही आप इस टैबलेट का यूज करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।